क्या प्राथमिक शिक्षकों के वेतन मान में कटौती की बात सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमें लगता है कि जिस प्रकार ये हेमंत सरकार अपने कार्यकाल में 3.25 वर्ष के कार्यकाल में कहीं ना कहीं नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, वैसे ही जो नौनिहालों के भविष्य को बनाते हैं वैसे शिक्षकों के वेतन मान को भी, उनके ग्रेट पे को भी घटाने का काम की है। जो इंटर प्रशिक्षित शिक्षक थे उनका ग्रेट पे 4200 था, जिसे घटा करके 2400 कर दिया गया है, और जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनका ग्रेड पे 4600 था उसे घटा करके 2800 कर गया है। मतलब कि जो लेवल 6 के बराबर थे उनको लेवल 4 और लेवल 7 में जो थे उनको 5, अर्थात प्यून और क्लर्क को जो वेतन दिया जा रहा है वो लेवल में शिक्षकों को लाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है, और इस प्रकार का ये सरकार नोटिफिकेशन निकाल करके इस प्रकार का कार्य की है जो कि बिल्कुल अशोभनीय नहीं बल्कि ये शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक है। देखिए, देहात में कहावत है कि गाल गुने आदमी जीतता है। ये पेपर है, अधिसूचना है, और अधिसूचना में सरकार ने ग्रेड पे को घटाने का काम किया है जो कहीं से उचित नहीं है। और दूसरा, हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा जो कि 1958 से, अर्थात 65 वर्ष से कोडरमा में एक माइनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में था, जिसे कि अभी भी है और जो नंबर 1 में है, उसे भी वहाँ हमारे कोडरमा विधानसभा से हटा करके इसको बरकट्ठा विधानसभा में ले जाने की तैयारी चल रही है, जिसे हम सफल होने नहीं देंगे। विपक्ष के विधायक होने के नाते इस प्रकार की जो साजिश हो रही है, ओछी राजनीति हो रही है, इसे सफल होने हम नहीं देंगे।